नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज हम आपको बताएंगे कोरोना मुक्ति का महाउपाय। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व समुदाय कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहा है। कोरोना से मुक्ति दिलाएगा बालाजी की शक्ति। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि कोरोना से मुक्ति दिलाएगा बालाजी की शक्ति। गौतम बुद्ध नगर नोएडा सेक्टर 39 सनातन धर्म मंदिर के पुजारी व आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज ने कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे विश्व को निदान दिलाने के लिए धर्म और शास्त्रों की बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक समाज को, हिंदुस्तान के प्रत्येक वर्ग को, हिंदुस्तान के प्रत्येक धर्म को नमन और प्रणाम है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में देश सेवा से बढ़कर, समाज सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। केंद्र व राज्य की सरकारें बड़ा ही प्रशंसनीय, बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, मीडिया के प्रभारी एवं कर्मचारियों को कोटि कोटि साधुवाद है। भारत के सभी मीडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों जो रात दिन 24 घंटे लगकर देश की और समाज की सेवा करते हैं, एक बड़ा प्रश्न है कि सेवा करने के बाद, इतना समर्पण करने के बाद भी मीडिया व प्रशासन पर, देश की सरकारों पर लोग उंगली उठाते हैं। याद रहे, पत्थर भी उसी को मारा जाता है जो फल देता है। वृक्ष आदि काल से अपने फलों से दूसरों का पालन पोषण करता है, फिर भी लोग वृक्ष को फल तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं। फिर भी इसकी चिंता ना करते हुए वृक्ष देश की और मनुष्य की सेवा हमेशा करता रहता है। आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए। कोरोना कोई नई महामारी नहीं है। पहले भी आपको बताया कि समुंदर मंथन का मतलब रिसर्च हुआ, जहां से अच्छी चीज़ें भी निकली और बुरी चीज़ें भी निकली। उसी तरह कोरोना वायरस भी समाज में कुप्रभाव से पैदा होती है। कुप्रभावों से बचने के लिए हमारे अनादिकाल से रिसर्च होते रहे हैं। उस समय रिसर्च करने वालों को आज ऋषि कहते हैं। उन ऋषियों ने खाने पीने का उपाय बताया, हमको औषधि प्रयोग के उपाय बताए, ब्रह्म की उपासना करने वाले मनुष्यों ने अनुष्ठान के साधन बताए। आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज ने असंख्य संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ करने के लिए फेसबुक आचार्य अतुल दीक्षित से जुड़ने के लिए लोगों का आवाहन भी किया और कहे कि प्रतिदिन प्रातः 9 बजकर 11 मिनट से यह महाअनुष्ठान प्रारंभ होता है। आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि निवेदन भी करता हूँ कि अनुष्ठान का हिस्सा बने और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, संबंधियों को भी इस महाअनुष्ठान का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन, हमारे ऋषि, हमारे मनीषियों ने हमको बताया कि इस कलयुग में कलयुग के प्रत्यक्ष देवता संकट मोचन बालाजी महाराज सांसारिक प्राणियों की रक्षा करने के लिए मृत्यु लोक में सदैव रहते हैं, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। अगर इस कलयुग में तत्काल किसी कार्य की सिद्धि चाहिए, किसी कार्य में सफलता चाहिए, तो हनुमान जी महाराज के चरणों में अरदास लगाओ, प्रार्थना करो। जिस तरह से पीएम फंड या सीएम फंड में जनता एक एक रुपये का अगर सहयोग प्रदान करती है तो करोड़ों रुपये जमा हो जाते हैं, उसी तरह से इस संकट मोचन हनुमान अष्टक महाअनुष्ठान में आप लोग 11-11 पाठों का नित्य सहयोग प्रदान करें तो बालाजी महाराज के चरणों में अनंत प्रार्थना पहुंचेगी, जिससे विश्व में कोई भी ऐसा संकट नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो बालाजी महाराज के लिए असंभव हो। बस हम सनातन धर्म वालों की, बालाजी महाराज की उपासना करने वालों को आज जागने की आवश्यकता है। हम भूल बैठे हैं कि हमारे आराध्य देव इतनी जल्दी हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे नहीं, हमारे देश के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के संकट को नष्ट कर देंगे।
आज हमें अपने अंदर विश्वास को जगाने की आवश्यकता है, अपनी भक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और बालाजी महाराज की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज ने कहा कि आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बालाजी महाराज की कृपा से विश्व की, देश की, समाज की, पूरे मानव जाति पर पड़ी हुई इस विपदा से तत्काल बालाजी महाराज जरूर कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई विकल्प अवश्य निकाल देंगे, क्योंकि हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे ऋषि, हमारे मनीष यही गाते रहते हैं, यही बताते रहते हैं कि सनातन के जो देवता हैं वह सजीव हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मन से, सच्चे दिल से स्मृति करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे को माँ तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, जब बच्चा चिल्लाता है। पूर्व समय में ऋषियों के सचित्रों से ज्ञात हुआ कि बहुत से भारत के ऋषियों ने महामारी से स्थानीय लोगों की हिफाजत की है, जैसे साईं महाराज के चरित्र से ज्ञात हुआ कि उन्होंने स्थानीय मानव समाज की अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा सुरक्षा प्रदान की। इसलिए हे मनुष्य, अपनी स्थिति को, अपनी भक्ति को पहचानो, बालाजी महाराज की शक्ति को पहचानो जो कलयुग के देवता हैं और जो सच्चे दिल से प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान अष्टक के अपने घर में, अपने परिवार के बीच नित्य पाठ करना प्रारंभ करें, हनुमान जी महाराज अवश्य कृपा करेंगे। तो आइए सुनते हैं आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज की अमृतवाणी। तो आपने आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज की अमृतवाणी को सुना और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस पर अमल करेंगे और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व समुदाय से कोरोना को भगाने में सार्थक पहल करेंगे। नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 39 सनातन धर्म मंदिर से आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में। और आइए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उस पे आज प्रकाश डालेंगे आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज। हेलो, नमस्कार, मैं आचार्य अतुल कृष्ण फास्ट न्यूज के माध्यम से आप सब लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। प्रियजनों, सबसे पहले तो हम हिमालय तो समारंभ यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अपने हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदुस्तान की प्रत्येक समाज को, हिंदुस्तान के प्रत्येक धर्म को और हिंदुस्तान के प्रत्येक वर्ग को नमस्कार, नमन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, हम लोगों के धर्म में, हम लोगों की सनातनी पद्धति में एक ही सूत्र सिखाया जाता है, एक ही संस्कृति सिखाई जाती है कि जीवन में परोपकार से बढ़ के, देश सेवा से बढ़ के, समाज सेवा से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने केंद्र सरकार, राज्य की सरकारों को साधुवाद, बड़ा ही प्रशंसनीय, बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और इसके बाद अपने भारतवर्ष के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को और भारत के सभी मीडिया के अधिकारी और कर्मचारियों को, कि बेचारे रात्रि दिन 2400 घंटे लग के समाज की सेवा, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा ही चिंता का विषय है और एक ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी सेवा करने के बाद, इतना समर्पण के बाद भी मीडिया पर, देश की प्रशासन पर, देश की सरकारों पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन पत्थर भी उसी को मारा जाता है जो फल देता है। वृक्ष हमेशा से, अनादिकाल से मानव जाति के कल्याण के लिए, पशु पक्षियों के लिए फल देता रहा, लेकिन फिर भी वृक्ष को पत्थर खाने पड़े। इसलिए इसकी परवाह न करते हुए पुलिस विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मीडिया प्रभारी अनवरत हर समय देश की, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रियजनों, मैं विशेष बात ये बताना चाहूंगा, जैसे फास्ट न्यूज के माध्यम से आज इन्होंने हमको अवसर प्रदान किया कि कोरोना महामारी
से कैसे बचा जाए, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये महामारी आज की कोई नई महामारी नहीं है। आज के लिए इसका नाम भले ही नया हो सकता है, लेकिन अनादिकाल से ये महामारियों का प्रचलन चलता चला आ रहा है। पहले भी मैंने आपको फास्ट न्यूज के माध्यम से बताया था कि जब मंथन मीन्स रिसर्च, समुद्र पर मंथन कि समुद्र पर मेरा कब्जा होगा, पहाड़ पर मेरा कब्जा होगा, इस जगह पर मेरा कब्जा होगा, और फिर वहां पे मंथन होगा, रिसर्च होगा, तो वहां से अच्छी चीजें भी निकलेंगी और बुरी चीजें भी निकलेंगी। वो बुरी चीजें समाज में कुप्रभाव पैदा करती हैं। उन कुप्रभावों से बचने के लिए हमारे अनादिकाल के, जिनको हम आज ऋषि कहते हैं, आज रिसर्चर कहते हैं जिनको, उनको पूर्व काल में ऋषि कहा जाता था। उन ऋषियों ने खाने का पीने का परिहार बताया हमको, हमको औषधियों के लिए बताया कि अगर ऐसी ऐसी स्थितियां आए तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हमारे जो ब्रह्म की उपासना करने वाले थे, ईश्वर की आराधना करने वाले थे, जो उस तत्व में लीन रहने वाले थे, उन ऋषियों ने मनुष्यों ने हमें अनुष्ठान के साधन बताए कि इन अनुष्ठानों को करना चाहिए, इस उपासना को करना चाहिए। जिस तरीके से प्रियजनों, मैंने पहले भी बताया कि मैंने इस समय संकल्प लिया हुआ है संकट मोचन हनुमान अष्टक के अनंत पाठों के करने के लिए। मैंने अपने फेसबुक आचार्य अतुल दीक्षित के नाम से बना रखी है, उसमें मैंने सारे लोगों को आमंत्रित भी किया हुआ है कि प्रतिदिन 9:11 से आप लाइव फेसबुक में मेरे साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ करिए, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन, हमारे ऋषियों ने कहा है कि इस कलयुग में अगर तत्काल किसी कार्य की सिद्धि चाहिए तो उस तत्काल कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में अरदास लगानी चाहिए। जिस तरीके से पीएम फंड में या राज्य के सीएम फंड में अगर जनता 1-1 रुपया भी डालती है तो करोड़ों रुपया पहुंच जाता है, उसी तरीके से अगर आप लोग अपने परिवार के बीच में अपने मित्रों को इस बात को समझाएंगे कि थोड़ा सा समय अगर संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ करने के लिए आप लोग देंगे तो हनुमान जी महाराज के चरणों में हम सब लोगों की विशेष प्रार्थना पहुंचेगी, और ऐसा कोई सा विश्व में संकट नहीं है जो हनुमान जी महाराज के लिए असंभव हो। लेकिन हम लोग भारतवर्षी सनातन धर्म वाले सब भोले पड़े हैं, ईश्वर पर आज विश्वास की आवश्यकता है, पुनः आज ईश्वर को ईश्वर की भक्ति करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान जी महाराज के चरणों की कृपा से हमारे देश में हमारे सनातन के जो ईश्वर हैं, सनातन के जो देवी देवता हैं, वो सजीव हैं, वो सुप्त नहीं हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उनको मन से स्मरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे को मां तभी दूध देती है जब बच्चा रोता है। इसलिए हमको आज हनुमान जी महाराज को पुनः स्मरित करने की आवश्यकता है। और कोरोना महामारी के लिए हमारे ऋषियों ने पूर्व समय में, हमने ऋषियों की गाथाएं सुनी कि अमुक ऋषि ने के समय में भी कोरोना महामारी आई, महामारियां आई, और उन महामारियों का नाम अलग था। जैसे साईनाथ महाराज के समय में भी आई, आप लोगों ने साईनाथ सच्चरित्र में पढ़ रखा होगा कि साईनाथ जी महाराज ने उस समय जल को आमंत्रित किया, आटे को और हल्दी को आमंत्रित करा के, और उस समय की स्थानीय लोगों की रक्षा की। तो आज भी हमारी रक्षा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए कलयुग में रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी को यहाँ छोड़ रखा है। आज हमें हनुमान जी महाराज को स्मरित कराना है कि महाराज पूरे विश्व में, पूरे संसार में मानव जाति पर आज ऐसी आपदा पड़ी है। देखो प्रियजनों, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सनातन पद्धति हमको यही सिखाती है कि जीवन तो वही है जो परमार्थ के लिए जिया जाए, पूजा तो वही है जो परमार्थ के लिए की जाए। तो आइए आज पुनः मैं फास्ट न्यूज के माध्यम से आप सब लोगों को पुनः एक बार आमंत्रित करता हूं, आइए प्रतिदिन आप मेरे साथ फेसबुक में लाइव जुड़ के संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ, इस अनुष्ठान को प्रारंभ करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। तो इसी के साथ हमें दे इजाजत, आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर मंजर।
चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।